ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा थंबनेल में, मैंने आपको बताया, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो आप लोग अगर ना आप लोगों को वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लेना या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको बैकग्राउंड पेजेस दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड आप लोगों को जो है वीडियो में जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको एकदम सेम टू सेम देखना है एंड पहले उसके बाद समझना है, फिर जाके एडिटिंग करने जाना है। ठीक है, पहले आपको देख के समझ लेना है एंड देन उसके बाद एडिटिंग करना है। अब गाइस देखिए वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोग इस टाइप से अपनी फोटो क्लिक करवा लेना है। यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को पोज वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लो एंड आप लोगों को जो इसी टाइप से आपको अपनी फोटो क्लिक करवा लेना है। नौ जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से जो है मतलब बैकग्राउंड वगैरह इसको इरेज कर लेना है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस पर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वीडियो को जाकर देख लेना। तो अभी जो है मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ एडिटिंग का प्रोसेस। तो आप लोग को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को करना है क्या कैसे, यहाँ पे आप लोग को जो है सिंपली यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे मतलब कि हैंड वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे रख रखा है। आपको बस अपने मॉडल को ऐड करना है। बाकी कैसे आपको व्हाइट कलर के शर्ट अगर रिमूव करनी है तो आपको करना है कि आपको क्लोन टूल में जाना है। यहाँ पे कैसे आपको क्लोन टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जिस टाइप से जो है इसको रिमूव कर देना है। एंड गाइस अगर आपको इसके बारे में मतलब कि इस क्लोन टूल का यूज़ नहीं पता है तो आप लोगों के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो को देख लेना। अब देखिएगा उसके बाद आप लोगों को करना है क्या कैसे, यहाँ पे आप सबको ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ से ऐड करना है अपने अपने मॉडल को। मॉडल को ऐड कर देने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपको सेम साइज़ में रखना है, यानी कि मतलब हाइट इस तरीके से रखना है कि जो हैंड है ना गाइस वो आपके हैंड से मैच हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि ऊपर नीचे करना मॉडल को, आपका जो हैंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप अपना ही हैंड उसमें ऐड करना चाहते हो मतलब कि दूसरे मॉडल के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी जो है मैं इसको फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस सो इतना जाने के बाद आप लोगों को जो है इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने मॉडल में गाइस। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडल है थोड़ा अच्छे से एडजस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आपका मॉडल गाइस आपको लगे कि यहाँ इसमें कोई क्लियरिटी वगैरह कुछ भी कमी नहीं है तो आप उसको मत करना, अगर हो तो गाइस आप लोग अपनी फोटो के हिसाब से जहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या गाइस, आप लोग यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को जो है डन कर देना है एंड उसके बाद आप लोग यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। तो आप पहले हम फोटो को डन कर लेते हैं, अब चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को थोड़ी सी ग्रास वगैरह की पीएनजी ले लेना है। ठीक है, इसको लेने के बाद आप लोग करना है कि आप लोग सिंपली इसको लेके फुल स्क्रीन कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी फोटो में कुछ स्टेप से ऐड हो जाएगा। अगर कोई वेस्ट पार्ट हो तो आप उसको इरेजर टूल में जाकर रिमूव कर देना। ठीक है, बाकी फोटो को करते हैं डन। इतना हो जाने के बाद आप लोग कुछ अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको लेके जाना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि लाइट रूम ऐप में ले जाकर आपको इसको फोटो को और भी रियलिस्टिक बनाना है। ठीक है, तो लाइट रूम में अपने जाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या गाइस, पहले आपको अपनी फोटो की लाइट करेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लाइट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को पहले यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स को यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे, शेडो को इंक्रीज़ कर देंगे और जो है ब्लैक्स इसको भी बढ़ा देंगे एंड वाइट को जो है हम कम कर देंगे। ठीक है गाइस, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड उसके बाद मिक्स टूल में जाना है, आप लोगों को येलो कलर लेना है। मेरे को येलो कलर फोटो में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑरेंज कलर में जाएंगे, आप ल्यूमिनस हम इसको बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना फोटो को डन कर देना एंड चल जाना है इफेक्ट वाले टूल में। फोटो की यहाँ पे आपको क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड फोटो में विग्नेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे फीदर को इंक्रीज कर देना है एंड नीचे वाले टूल में जाना है, फिर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, नोड डायरेक्शन में बढ़ा देना है एंड फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।